ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान ने फोड़ दिया है रूही का भांडा। रूही अभी तक जो अच्छाई का नकाब, अच्छाई का मुखौटा पहनकर घूम रही थी, अरमान ने रूही को उसी की सच्चाई दिखा दी है, जो रूही से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरमान को जैसे तैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके धमकी देकर रूही अपने पास बुला लेती है अभीरा और अरमान की शादी से पहले, और अरमान को समझ आ जाता है कि रूही सिर्फ शब्दों से उसकी बातें नहीं मानने वाली है, क्योंकि अरमान ये बहुत बार बोल चुका है कि वो रूही से नहीं अभीरा से प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी रूही ने ये स्टंट पुल किया है जहां पर वो खुद अरमान की दुल्हन बनकर खड़ी हो गई है। रूही के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर अरमान उसे बोलता है कि हाँ वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन रूही को उसके साथ नहीं चलना होगा। अरमान रूही को अपनी कार में बिठाता है और इतनी स्पीड से कार को खाई की तरफ लेकर जाता है कि रूही की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। रूही अरमान को रोकने की कोशिश करती है और अरमान कुछ भी नहीं सुनता, और फिर फाइनली रूही अरमान को अकेला छोड़कर दरवाजा खोलकर चलती कार में से नीचे कूद जाती है। अरमान की कार बड़ी मुश्किल से खाई के एंड पर रुकती है और अरमान रूही को उसकी सच्चाई दिखाता है कि रूही अरमान से शादी करना चाहती है, उसके साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहती है, लेकिन जब मरने की बात आई तो रूही ने अरमान को अकेले छोड़ दिया। अरमान रूही के प्यार पर सवाल उठाता है, उससे पूछता है कि क्या उसका यही प्यार था। उसकी सच्चाई अरमान उसी को दिखाता है और रूही यहाँ पर काफी बुरी तरह से डिवास्टेट हो जाती है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता ये क्या हुआ है। अरमान रूही से कहता है कि वो अगर अभीरा के साथ शादी नहीं करेगा तो वो मरना पसंद करेगा, लेकिन रूही अपने प्यार के लिए मर नहीं सकती है। इसका मतलब ये है कि रूही अरमान से प्यार करती ही नहीं है। सिर्फ अरमान के सामने ही नहीं बल्कि अभीरा के सामने भी रूही की ये सच्चाई आ जाएगी, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रूही अभी भी हार मानेगी या अभी भी वो अरमान और अभीरा के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करती रहेगी। लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो फैंस को अभीरा एज दुल्हन बहुत ही ज्यादा क्यूट और अडोरेबल लगी, और इसी के लिए ये है कुछ फैंस के रिएक्शन। एक यूजर ने कहा, ब्राइडल लुक्स ऑफ फीमेल लीड्स ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है, PS जनरेशन 4 हैज जस्ट डिसअपॉइंटेड मी एंड हाउ। एक और यूजर ने कहा, द वैम्स आर अनोइंग बट मुझे क्या, आई हैव स्टिल नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस डॉग नॉडिंग हिज हेड एट बीइंग कॉल्ड अ दिलवाला, ऑलवेज अ प्राउड लूजर।